बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे प्रसार के चलते देश में मरने वालों का आंकड़ा 18 हो गया, जबकि दुनिया के 189 से ज्यादा देशों में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। दुनिया में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपने घर में कैद होने के लिए मजबूर हैं। सर्वाधिक चपेट में यूरोप है। वहीं आज मेरठ में जुम्मे की नमाज मस्जिदों के बजाय घरों में ही अदा की जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। इन प्रयासों का ही पुख्ता असर भी देखने को मिला। नमाज से पहले ही सभी मस्जिदों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया था। मौलवी द्वारा भी बराबर लोगों से माइक के जरिए यह दरख्वास्त की जा रही थी कि सभी लोग अपनी नमाज अपने घरों में ही पढ़ें, मस्जिद आने की कोई कोशिश ना करें। कोरोना वायरस के संबंध में जो भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उन सबके मद्देनज़र और हमारे विभाग के द्वारा उन सबके मद्देनज़र जो भी एहतियात बरतने हैं, जो भी सावधानियाँ हैं, उन सबके बारे में कार्रवाई की जा रही है। लोगों के अंदर भी जागरूकता आप देख रहे होंगे कि तमाम मस्जिदों में लोगों ने पोस्टर चस्पा किए हैं कि भाई नमाज अपने घरों पर पढ़िए। लोगों ने अपील भी करी है, सहर काजी साहब ने, कारी साहब ने, नायब सहर काजी ने, और बहुत सारे लोगों ने अपील करी है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने अपने मस्जिदों पर ताला भी बंद कर लिया है कि यहाँ पर नमाज नहीं। सबको मालूम है कि ये वैश्विक महामारी के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इंसानियत के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि हम एक दूसरे से, इस महामारी से एक दूसरे को बचाएं और खुद भी बचें। इसके लिए एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और लॉकडाउन का पालन किया जाए। सर, अब तक 3-4 दिन में जब से लॉकडाउन हुआ है, तो किस तरीके से मुकदमे दर्ज करे जा चुके हैं, कितने मुकदमे हो चुके हैं और किन धाराओं में मुकदमे? इसमें लगभग 150 के अराउंड मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें 3 महामारी अधिनियम है, 188 IPC, 269, 270 IPC, इससे संबंधित मुकदमे कायम। बहुत सारे वाहन सीज भी हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में वाहन सीज हुए हैं, हज़ारों की संख्या में वाहनों का चालान हुआ है, लाखों की संख्या में जुर्माना हुआ है। तो इस पर सख्ती भी बरती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जागरूकता का, तो लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं और खुद इसमें योगदान कर रहे हैं। रात का तकाजा है, हालात हमारे सामने हैं, तो इसमें यही है कि पहले से यही चला आ रहा है कि हम अपनी नमाज़ें घरों में पढ़ रहे हैं, तो आज भी अपनी नमाज़ें घरों में पढ़ें, मस्जिद में आने की बिल्कुल कोशिश ना करें, घरों के अंदर। कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की तैयार की है। इसके तहत लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए 11 समिति बनाई गई हैं, जिसे टीम 11 का नाम दिया गया है। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने घरों में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि उनके प्रदेश के लोगों को, जो दिल्ली मजदूरी के उद्देश्य आए हुए थे, वे अब दिल्ली की जिम्मेदारी हैं, कोशिश की जाएगी कि उन्हें परेशानी कम से कम हो। उन्होंने कोरोना रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। सरकारें बराबर लोगों की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे तमाम सामाजिक संगठन भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये लोग बराबर लोगों को खाना व पानी मुहैया करा रहे हैं। इसी क्रम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जबकि करोड़ों में खेलने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी ने सिर्फ 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा पर समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, धोनी को ट्रोल भी किया जा रहा है। इस बीच RBI ने लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मिडिल क्लास को लोन की EMI देने पर 3 माह की छूट देने की घोषणा की है। अब यह बैंकों पर निर्भर करेगा कि वह छूट देता है अथवा नहीं। उधर मेरठ के CMO डॉक्टर राजकुमार से भी फर्स्ट बाइट ने बात की है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं CMO। मेरठ में 47 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, अभी तक सभी नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है। 47 नेगेटिव आया है। हाँ, तो अभी और कोई अपडेट इस चीज़ को लेकर, कोई पेशेंट अभी नहीं है। रात में कितने भर्ती हुए हैं अभी उसकी रिपोर्ट आने वाली है, पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक मेरठ में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। टोटल कितने कोरोना पेशेंट अब तक मेरठ में भर्ती किए आ चुके हैं? कोरोना के संदिग्ध 47 पेशेंट आए थे, 47 की सभी की रिपोर्ट नेगेटिव।